हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार आप सबका अच्छी उम्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉप करेंट अफेयर्स हैं जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 के लास्ट 6 मंथ के, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप देखना चाह रहे हो टॉप 100 करेंट अफेयर्स जो जनवरी से जून 2023 के हैं, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो वहां से आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है? कहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन का शुरुआत किया गया, किस राज्य में फर्स्ट टाइम हुआ है? ऑप्शंस की बात करें, मेघालय, असम, मणिपुर और मिजोरम। का आंसर है यहाँ पे ए, मेघालय में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक ट्रेन का शुरुआत किया गया है। ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूर्वी पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास में 15 मार्च 2023 को दुधनोई और मेंदी पाथर, जो 22.823 किलोमीटर का जो सिंगल लाइन ट्रैक है, और अभयपुरी पंचरत्न जो 34.5 किलोमीटर जो डबल ट्रैक लाइन है, पे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्होंने हासिल किया है। ठीक है। मेघालय एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य का मेघालय एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है, कौन सा है? मेंदी पाथर, जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद यहां से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया, तब से अभी एक प्रचलन में है। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट बनाने के लिए सौंपा गया है? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो स्पेस एक्स, बोइंग, एक्सियम स्पेस कंपनी और एरो स्पेस। आंसर क्या है? आंसर सी, एक्सियम स्पेस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का ये वो क्या करे, स्पेस सूट तैयार करे। ठीक है। नासा है जो, नासा का फुल फॉर्म क्या कहता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा पर मानव की वापसी यात्रा के लिए स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी का अनावरण किया है। स्पेस सूट का जो नया डिजाइन है वो विशेष सुविधाओं के साथ आता है। ठीक है। बात करें कि 2025 में चंद्रमा पर आर्टेमिस 3 मिशन के लिए ऐसा सूट तैयार करने की उम्मीद है। नासा ने एक्सियम जो स्पेस कंपनी है को अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट बनाने की क्या जिम्मेदारी दी है, जो पहन करके वो अंतरिक्ष सॉरी चांद पर क्या कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के कि कौन सी कंपनी भारतीय वायुसेना को डोर्नियर 228 विमान प्रदान करेगी? डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट इस कंपनी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को क्या दिया जाएगा? ऑप्शंस की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन सर्च स्पेस और एयर बस के द्वारा। तो आंसर है बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने 10 मार्च 2023 को 667 करोड़ रुपए की लागत से HAL के साथ भारतीय वायुसेना के लिए 6 जो डोर्नियर 228 विमान की खरीद हेतु एक क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्लियर है। ठीक। इस क्वेश्चन देखते हैं कि निसार उपग्रह क्या है? जो निसार है उपग्रह वो क्या है? एक अंतरिक्ष दूरबीन है या नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है, या एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, या एक चंद्र लैंडर मिशन है, लूनर लैंड पर मिशन है। आंसर क्या है इसका? बी। तो जो निसार है वो नासा और इसरो के द्वारा डेवलप किया गया एक क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है। बात करें यहाँ पे कि इसरो को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने से नासा इसरो इसका जो निसार बना है, नासा इसरो सार करके प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसरो के अनुसार जो निसार जो है 12 दिनों में पूरे ग्लोब का मानचित्रण तैयार करेगा। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 2024 में निकट ध्रुवीय कक्षा केंद्र में ले जाने की उम्मीद की जा रही है। ये कितने साल तक काम करेगा? तो 3 साल तक ही काम करेगा। और इसको कहाँ रखा जाएगा? तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? ठीक है, एंटी शिप वर्जन जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का कहाँ पे उसका परीक्षण किया गया? ऑप्शंस की बात करें, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अंडमान सागर में। तो आंसर क्या होगा? सी, अरबियन सी में इसका परीक्षण किया गया। और ये डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा ये तैयार किया गया। बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तेजस, सुखोई 30, राफेल और INS विक्रांत। आंसर क्या हो जाएगा? INS विक्रांत। ठीक है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? जो स्पेस एक्स है अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन, एलन मस्क और बिल गेट्स। आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर है इसके एलन मस्क है। क्लियर है? ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान लिमिटेड का है कौन से विमान की खरीद को मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो 70 STT-40 एयरक्राफ्ट, LCA, तेजस, सारंग और राफेल। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, 70 STT-40 एयरक्राफ्ट। और कितने की लागत का उसमें क्या है? तो 6,828 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीद दिया जाएगा, HAL से खरीदा जाएगा और अगले 6 साल में इसकी आपूर्ति की जाएगी। 24 फरवरी 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो क्रायोजेनिक, रेडियल, डीजल और भाप। तो आंसर है यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन का इन्होंने परीक्षण किया था। ठीक है, और कितना उसका क्या नाम है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का किया गया। सौर मंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह मतलब मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स वाला कौन सा प्लेनेट बन गया है? तो आंसर है शनि ग्रह, बृहस्पति, पृथ्वी और अरुण ग्रह। आंसर क्या है यहाँ पे? बी, जुपिटर, बृहस्पति। पहले शनि के 83 उपग्रह थे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल बृहस्पति के कितने उपग्रह हो गए हैं? 92 सेटेलाइट होने की पुष्टि की गई है। क्लियर है? ठीक, बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चर किया जाता है किसके द्वारा? तो नेवी के लिए जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है किसके द्वारा? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, अड्डा एंड हाल दोनों के द्वारा, मतलब एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, दोनों के द्वारा या राफेल के द्वारा। आंसर क्या है यहाँ पे? सी, मतलब एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों के द्वारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो नौसेना के लिए निर्मित किया जा रहा है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कौन सा उपग्रह सितंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर बताइए क्या होगा? बायो सेटेलाइट, निसार सेटेलाइट, ओशियन सेटेलाइट और सेटेलाइट। तो आंसर क्या होगा? निसार सेटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है? बेसिकली स्टडी क्या करेगा? तो पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा, बर्फ के जो लेयर्स है उसको स्टडी करेगा और इकोसिस्टम को स्टडी करेगा। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी कक्षा में भेजा जाएगा? क्लियर है? तो ऑप्शन की बात करें तो 3 यात्री, 5, 2 या 7 यात्री, कितने यात्रियों को भेजा जाएगा? तो आंसर है ए, 3 यात्रियों को भेजा जाएगा। ठीक है, और इसको गगनयान मिशन को भेजने के लिए कौन सा रॉकेट का यूज किया जाएगा? तो HVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल इसरो के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, बज एल्ड्रिन, रियाना वर्नावी,
चार्ल्स बोल्डन और एलन पिन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, रियाना वर्णावी। सऊदी अरब की रियाना वर्णावी 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले देश की पहली महिला अंतरिक्ष छात्री बन गई हैं, और उन्होंने कितने दिन के 10 दिवसीय मिशन पे उन्होंने यात्रा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रयान 3 का सफलता पूर्वक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैक्टेबिलिटी के परीक्षण पर कहाँ किया गया, कहाँ पर परीक्षण किया गया। ठीक है, वेयर वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी EMI और EMC टेस्ट ऑफ द चंद्रयान 3 सक्सेसफुली कैरिड आउट। ठीक है, कहाँ पे किया गया, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, और UR राव सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। कहाँ ये कहाँ पे किया गया, तो UR सेंट्रल जो स्पेस सेटेलाइट सेंटर जो बेंगलुरु में वहां पे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, कौन से हैं वैज्ञानिक, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी या हरि बालकृष्णन। तो उनका आंसर क्या होगा, हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शंस की बात करें, सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा और अदिति पंत। तो आंसर हो जाएगा ए, सीवी रमन के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेस एक्स ने 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने और सीधे लोगों के स्मार्टफोन से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रह को लॉन्च किया था। स्पेस एक्स के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, तो स्टारलिंक सैटेलाइट्स, जो मतलब 54 स्टारलिंक सैटेलाइट छोड़ा गया था, या स्पुतनिक छोड़ा गया था, या आर्यभट्ट, या K1। तो ये जो छोड़ा गया था वो क्या था, 54 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को स्पेसएक्स के द्वारा ये छोड़ा गया था। क्लियर है, और कहाँ से छोड़ा गया था, इसको फ्लोरिडा, USA के फ्लोरिडा से इसको छोड़ा गया था। और ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट है इनको क्या कहा जाता है, Gen 2 भी क्या कहा जाता है। क्लियर है, ठीक। बात करें यहाँ पे कि DRDO ने 10 जनवरी को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ऑप्शंस की बात करें तो पृथ्वी 1 का, धनुष का, अग्नि 1 का, या पृथ्वी 2 का। आंसर है यहाँ पे डी, पृथ्वी 2 का यहाँ पे परीक्षण किया गया, कहाँ पे, उड़ीसा के चांदीपुर तट से एक किया गया था। क्लियर है, बात करें यहाँ पे DRDO के, तो DRDO की जो स्थापना हुआ था 1958 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर कामत हैं अभी। ठीक है, और DRDO दिवस कब मनाया जाता, तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता। बात करें यहाँ पे कि पूरे देश को कब तक डॉक्टर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा, बाई वेन द इंटायर कंट्री विल बी कवर्ड बाय द डॉक्टर वेदर रडार नेटवर्क, वर्ष 2024, 27, 30 और 25। आंसर है डी, 2025 तक इसको पूरे देश को क्या डॉक्टर वेदर रडार नेटवर्क से कवर कर दिया जाएगा, जो क्या करेगा मौसम, जो क्लाइमेट, जो मौसम से घटनाओं का सटीक वो क्या करेगा अनुमान लगाएगा। देश में डॉक्टर रडार की संख्या अभी कितनी हो गई, तो 2023 तक में 37 तक हो जाएंगे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस के यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित आधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला प्रथम भारतीय जिला बन गया है। ऑप्शंस की बात करें तो विदिशा, ग्वालियर, राजगढ़ और भोपाल। तो आंसर यहाँ पे विदिशा में हुआ, तो मध्य प्रदेश में जो विदिशा है वहां पे स्टार्टअप्स द्वारा 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला पहला क्या जिला बन गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नासा का जियोटेल मिशन ऑपरेशंस कब लॉन्च किया गया, जो 30 साल बाद खत्म हुआ है। तो नासा ने जियोटेल मिशन ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो कब स्टार्ट किया था कि अभी उसको खत्म किया गया है। ऑप्शंस की बात करें तो 24 जुलाई 2006, 24 मार्च 2007,
2024 अगस्त 1910 या 24 जुलाई 1992? तो आंसर क्या है? डी, 24 जुलाई 1992 को ये लॉन्च किया है। कहना कि 30 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसे स्टार्टर रिकॉर्डों की विफलता के बाद नासा और जाक्सा का जो टेल अंतरिक्ष यान है उसको मिशन को क्या समाप्त कर दिया गया। मिशन कब लॉन्च हुआ? तो 24 जुलाई 1992 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसने कि पृथ्वी के चुंबकीय जो बुलबुले की संरचना और गतिशीलता पे काफी लार्ज डेटा सेट इसने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईआईटी मद्रास ने कौन सा भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? ऑप्शंस की बात करें तो लक्ष्य, जीवन, भरोस और मान। ठीक है, तो आंसर क्या होगा उसका? सी, आंसर क्या है? वरुस। यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत के 100 करोड़ सेलफोन उपयोगकर्ताओं को क्या करेगा? लाभ पहुंचाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एज ए सपोर्ट एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी एक सर्च इंजन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ओपन एआई द्वारा विकसित एक लैंग्वेज मॉडल है या गेमिंग कंसोल है। तो चैट जीपीटी बेसिकली ओपन एआई द्वारा विकसित एक भाषा लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पहली बार 2019 में इसे पेश किया गया था। बेसिकली चैट जीपीटी एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे मशीनों के साथ बातचीत करके उसमें लेसन्स को क्या क्रिएट किया जा सकता है, और ये किस पर आधारित है? तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे क्या बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2023 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण के लिए चुना गया हो? ऑप्शंस की बात करें, श्री श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, रीना देवी या सुश्री सुधा मूर्ति। आंसर क्या है? ए, श्रीनिवास वर्धन को। अमेरिकी गणितज्ञ विभूषित श्रीनिवास वर्धन को 2023 के लिए भारत दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए क्या चुना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेएन सीएसआर में वैज्ञानिकों द्वारा मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग के विकास में उपयोग होने वाली मुख्य सामग्री क्या है? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे तो सिलिकॉन, स्कैंडियम स्कैंडियम नाइट्राइड, गैलियम नाइट्राइड और जर्मेनियम। तो आंसर है यहाँ पे बी, स्कैंडियम नाइट्राइड। 25 जनवरी 2023 को बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू एंड एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग विकसित करने के लिए एस्केंडियम नाइट्राइड का क्या प्रयोग किया गया? ये क्या है? अर्धचालक सामग्री है। इस क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले इंट्रानेजल कोवैक्सीन 19 वैक्सीन का नाम क्या है? दुनिया के पहले जो है पहला फर्स्ट इंट्रानेजल कोवैक्सीन कौन सा बना है? ठीक है, और कहाँ बनाया गया? तो ये भारत में बनाया गया। ऑप्शंस की बात करें तो स्पुतनिक, इंकोनेमा, इंकोवैक और कोवैक्सीन। आंसर है इसका सी, इंकोवैक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको को जो कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण किया है। ठीक है, इसको 325 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से इसको क्या खरीदा जा सकता है, और यह जो टीका है किसके द्वारा? तो भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बायरेक के सहयोग से तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30वीं राष्ट्रीय बाल जो विज्ञान कांग्रेस है 27 जनवरी को कहाँ पे शुरू किया? ऑप्शंस में छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, गुजरात और मुंबई। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात में शुरू किया गया। ये गुजरात के कहाँ से? अहमदाबाद से शुरू हुआ था। साइंस सिटी में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 31 जनवरी को हुआ, और कितने भाग लोगों ने लिया? तो 1400 लोगों ने इसमें भाग लिया। नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसको चुना गया है? तो न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा किसे चुना गया है? रमेश दास, मोहित सेठ, एसी चरनिया और सुनीता खेरी। तो आंसर है यहाँ पे एसी चरनिया को नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट चुना गया है। क्लियर है? ठीक, बात करें कि नासा की स्थापना कब हुआ था? तो नासा का स्थापना जो हुआ था 29 जुलाई 1958 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, और वर्तमान में अभी उसके हेड कौन है? तो बिल नेल्सन नासा के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन इट इज द चंद्रयान 3 मिशन प्लान टू बी लॉन्च्ड?
तो चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो जुलाई 2023 में, सितंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में, अगस्त 2023 में। तो आंसर है ए, जुलाई 2023 में उसको क्या लॉन्च किया जाएगा। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के, कि किस संगठन ने 7 जून 2023 को अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, या आईएएफ के द्वारा? तो आंसर क्या हो जाए? सी, डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से? उड़ीसा के चांद में, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया, इसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का, हु इज द मेट्रो मैन इन इंडिया? इंडिया में मेट्रो मैन कौन है? ऑप्शंस की बात करते हैं, दर्शन जरदोस, अश्विनी वैष्णव, राव साहेब पाटिल और ई श्रीधरन। तो ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया गया? ऑप्शंस की बात करें तो बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठाणे महाराष्ट्र, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और इंदौर मध्य प्रदेश। तो आंसर है यहाँ पे बी, ठाणे महाराष्ट्र में फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज क्या डेवलप किया गया, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज डेवलप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है? किसके द्वारा चंद्रयान 3 को छोड़ा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा? तो JSLV Mark 3, PSLV, चंद्रयान 2, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर है जी, सॉरी ए, JSLV Mark 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि NVS-1 जो उपग्रह है किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नासा के द्वारा, ESA के द्वारा, इसरो के द्वारा, या स्पेसएक्स द्वारा? तो NVS जो उपग्रह है उन्हें इसरो के द्वारा क्या लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन एआई ने 18 मई को आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया था? ऑप्शंस की बात करें तो चैट जीपीटी, GPT 3.5 आर्किटेक्चर, लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग और ओपन एआई रिसर्च इनिशिएटिव। आंसर है ए, चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शंस, रियान बरनावी, अनुसे अंसारी, सारा साबरी, या मार्शल आईबिंग्स। आंसर है ए, रियान वर्णावी। लीगो इंडिया क्या है? लीगो इंडिया क्या है? तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने की परियोजना है, स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण करने की परियोजना है, या ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए को उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, या समुद्र की गहराई मापने के लिए एक योजना है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ए, प्रोजेक्ट टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स इन स्पेस, मतलब कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए क्या है, एक परियोजना। और इसको कहाँ सेटअप किया गया है? तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिला में इसको सेटअप किया गया, और इसके लिए 2600 करोड़ रुपए का इस पे इन्वेस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि पहली एयरबस जो है C-295 ने भारत के लिए पहली उड़ान कहाँ भरी थी? तो मुंबई भारत, नई दिल्ली भारत, सेविले स्पेन, और बार्सिलोना स्पेन। तो आंसर है यहाँ पे सी, सेविले स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत यूके, इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का फोकस क्या है? मतलब इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का फोकस क्या रखा गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, और एडवांस मटेरियल साइंस, या डिकार्बोनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका आंसर है सी, डिकार्बोनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डिकार्बोनाइज करना। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि राफेल जो फाइटर जेट है उसको उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना के पहली महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शंस की बात करें तो शिवांगी सिंह, दीपिका चौधरी, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा शिवांगी सिंह। क्लियर है? लिक्विड नैनो डैप यूरिया, जो लिक्विड नैनो डैप यूरिया का उद्देश्य क्या है? तो यूरिया की कीमत बढ़ानी है, किसानों की आय कम करने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? लिक्विड डैप नैनो डैप यूरिया का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? ये बेसिकली इसका यूज जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लिक्विड नैनो डैप यूरिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसकी लागत क्या
कम आएगी और किसानों के आय भी इससे क्या बढ़ने में मदद करेगी, जैविक खेती के लिए किया जाएगा। और इसका शुरुआत किसने की, तो अमित शाह ने 26 अप्रैल को नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस की बात करें तो 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई या 22 जून को। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। क्लियर है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका के द्वारा ये मनाया गया था। ठीक है, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस विभाग ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएल पिन या भूमि भू आधार को अपने को अपनाने पर नवीनतम डेटा प्रदान किया है? ऑप्शंस की बात करें, कृषि विभाग, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा बी, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स के द्वारा किया गया। पीएसएलवी C-55 क्या है? पीएसएलवी C-55 क्या है? एक रॉकेट लॉन्च साइट है, या फिर इसके द्वारा एक कॉमर्शियल पीएसएलवी मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, या एक इंटरनेशनल सैटेलाइट कस्टमर है, या रशियन मिसाइल है। तो ये क्या इसका आंसर है बी, इसरो का द्वारा एक वाणिज्यिक पीएसएलवी मिशन है, या कॉमर्शियल पीएसएलवी मिशन बाय इसरो। क्लियर है। ठीक, भारत में डिजिटल हाईवे के नेटवर्क को कौन लागू कर रहा है? जो भारत में डिजिटल हाईवे नेटवर्क को किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो बात करें यहाँ पे, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे बी, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा ये क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन? स्टीव जॉब्स, टिम कुक, बिल गेट्स या एलन मस्क। तो आंसर हो जाएगा बी, टिम कुक। मिशन डिजिटल महिला कब शुरू किया गया था? तो जयपुर में 2 दिवसीय महिला T20 महिला 20 बैठक के दौरान, जम्मू सॉरी जयपुर में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान, या दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ड्यूरिंग द 2 डेज वीमेन 20 मीटिंग इन जयपुर। बात करें यहाँ पे कि बोवेनपल्ली का बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। तो आंसर यहाँ पे डी, तेलंगाना में स्थित। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून या 7 जुलाई। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस पर का थीम क्या था, सबके लिए स्वास्थ्य। आंसर क्या हो जाएगा ए। भारत के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में नेट जीरो इमिशन का टारगेट ईयर क्या रखा गया? तो 2030, 2050, 2070 और 2080। आंसर क्या हो जाएगा, 2070 तक ये टारगेट रखा गया। किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D प्रिंटेड जो धवन सेकेंड इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्काई रूट स्पेस के द्वारा, इसरो के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा या बोइंग के द्वारा? तो किया गया स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा, जो इंडिया की क्या है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजती है। चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन होगा, किसको चुना गया है? तो विक्टर ग्लो, क्रिस्टीना कोच, रीड वाइसमैन या क्रिस्टीना हैमोक को। तो आंसर है सी, रीड वाइसमैन को। वेयर इज द री यूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन टेस्ट कंडक्टेड? कहां पर पुनः प्रायोजित लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन परीक्षण का परीक्षण किया गया? तो श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में, चित्रदुर्ग में या बेंगलुरु में? तो आंसर है यहाँ पे सी, चित्रदुर्ग का जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है वहां पे इसका परीक्षण किया गया। सो फ्रेंड्स, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ट करेंट अफेयर्स थे। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स थे जो आपके एग्जाम्स में 100% आपको दिख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, तो प्लीज सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।